प्यारे छात्रों अभिनंदन, मेरा नाम डॉक्टर कुमार पनीपगल है और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर्स में आपका स्वागत है। और प्यारे छात्रों, आज मैं आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ एक जबरदस्त टेक्निक जिसके द्वारा आप करंट अफेयर्स के जीके क्वेश्चंस मिनटों में याद कर पाएंगे, जीके ट्रिक्स जिसके द्वारा आपको 65वें नेशनल फिल्म पुरस्कार मुजबानी याद हो जाएंगे। ये पुरस्कार 2018 में दिए गए हैं, 2017 में बनी मूवीज के लिए। आइए इससे पहले कुछ तथ्य और हम जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको टेक्निक्स को शुरू करते हैं और देखते हैं हमें ये पुरस्कार कैसे याद हो पाएंगे। तो प्यारे छात्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नेशनल फिल्म अवार्ड भारत में ऑस्कर अवार्ड और एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जो रैंक है ऑस्कर अवार्ड्स के बराबर है, जैसे अमेरिका में हाईएस्ट फिल्म पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड होते हैं, तो भारत में हाईएस्ट ऑस्कर अवार्ड माने जाते हैं नेशनल फिल्म पुरस्कार। इसके अलावा हम देखते हैं, सबसे पहले नाम आता है द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो भारत में फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन है, जिन्होंने इंडियन सिनेमा की शुरुआत की? इन्होंने पहली फुल लेंथ मूवी बनाई थी राजा हरिश्चंद 1913 में, और इनका नाम है दादा साहब फाल्के। ये आपको याद भी होगा शायद, इसके नाम से ही एक हाईएस्ट ऑर्डर दिया जाता है नेशनल फिल्म पुरस्कार में, दादा साहब फाल्के, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड किस वर्ष में शुरू किया गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में शुरू किया गया था, और यह उन फिल्म पर्सनैलिटीज को दिया जाता है जिनका विशेष योगदान इंडियन सिनेमा में होता है। तो देखते हैं कि पहला पुरस्कार दादा साहब फाल्के किसको दिया गया था। यह देविका रानी जी को दिया गया था, 17वें नेशनल पुरस्कारों में 49 अवार्ड अब तक दिए जा चुके हैं। अब देखते हैं कि देविका रानी जी को किस नाम से जाना जाता है। देविका रानी जी को द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, इंडियन सिनेमा की पहली लेडी, द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। और देखिए, 65वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले सवाल आता है दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 का 49वां पुरस्कार है, 49वें व्यक्ति को दिया गया है, और ये है हमारे एक्टर विनोद खन्ना। इन्हें स्वर्ण कमल दिया गया है और 1,000,000 रुपीज दिए गए हैं, और एक शॉल भेंट किया जाता है, और इन्हें पोस्थ्यूमसली मरणोपरांत ये दिया गया। और पोस्थ्यूमसली सबसे पहले पुरस्कार पृथ्वीराज कपूर को दिया गया था 1971 में, वो भी आप याद रख सकते हैं प्यारे छात्रों। तो इस बार पोस्थ्यूमसली विनोद खन्ना को दिया गया। नेक्स्ट प्यारे छात्रों, जो गोल्डन लोटस अवार्ड की कैटेगरी होती है, बेस्ट मूवी का, बेस्ट डायरेक्शन का, बेस्ट चिल्ड्रन का, बेस्ट पॉपुलर फिल्म का, ये पुरस्कार गोल्डन लोटस अवार्ड होते हैं। जैसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, इसके लिए रजत कमल अवार्ड दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्डन लोटस अवार्ड की, जिनका ऑफिशियल नेम है स्वर्ण कमल। तो बताइए प्यारे छात्रों, सबसे ज्यादा बार अब तक नेशनल अवार्ड किसने जीता है? और ये जीता है सत्यजीत रे ने। ये टोटल अब तक 32 बार अवार्ड जीत चुके हैं, जिनमें से इन्हें 6 बार बेस्ट डायरेक्शन के लिए ये अवार्ड मिल चुका है। इससे ज्यादा बार अभी तक कोई भी इनके आसपास नहीं है जो इतनी बार ये नेशनल अवार्ड जीत चुका हो प्यारे छात्रों। और सत्यजीत रे को मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत रत्न और ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुके हैं, और ये दोनों एक ही ईयर में मिले थे। तो उसी ईयर को आप याद रखिएगा, दोनों अवार्ड, भारत रत्न और एकेडमी अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट 1992 में दिया गया था। जैसे कि यहाँ पे दो बार नो आ रहा है, 2992, तो आप याद रखेंगे दो बार नो आ रहा है, 2 1992 में, 1992 में ये पुरस्कार इनको दिया गया। प्यारे छात्रों, अगला देखते हैं नेक्स्ट, गोल्डन लोटस अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर के लिए किसको मिला है? और बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिला है जयराज भाई नकाम को। और जयराज को ही दो अवार्ड और मिले हैं, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का और बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले का। तो बेस्ट डायरेक्टर के साथ बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले, और जो इनका स्क्रीन प्ले अडॉप्टेड फ्रॉम ए जापानीज फिल्म, ये मिला जयराज भाई नाकाम को। जय हो ऐसे डायरेक्टर के राज की, और भैया सब लोग नाकाम हो गए। तो जय हो ऐसे डायरेक्टर के राज की, भैया और लोग नाकाम हो गए, और इन्हें बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिल गया। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और इसमें भी गोल्डन लोटस अवार्ड मिला है। ये 3 अवार्ड मिले हैं, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, बेस्ट मनोरंजक फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? और इसे 3 अवार्ड मिले हैं, बेस्ट एक्शन मूवी का, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट का। नाम तो आपको पता ही होगा प्यारे छात्रों, बाहुबली 2 द कंक्लूजन। तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म, सबसे मजेदार एंटरटेनमेंट की मनोरंजक फिल्म, और बेस्ट एक्शन सीन। ये मूवी तेलुगु में ओरिजिनली बनी थी और बाद में हिंदी में डब की गई थी। तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म का और बेस्ट एक्शन डायरेक्शन का, बाहुबली 2 द कंक्लूजन को। और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट भी इसी मूवी को जाता है, बाहुबली 2 द कंक्लूजन के जो इफेक्ट थे, स्पेशल इफेक्ट, वो भी सबसे बढ़िया थे। और बड़ी ही मजेदार मूवी थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए प्यारे छात्रों। नेक्स्ट देखिए प्यारे छात्रों, बेस्ट फिल्म गोल्डन लोटस अवार्ड किसे मिला है? और ये मिला है
विलेज रॉक स्टार को, विलेज रॉक स्टार को, विलेज में गांव के कुछ बच्चे हैं जो रॉक स्टार बनते हैं, म्यूजिक वगैरह गाते हैं और अलग तरह का म्यूजिक है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग मूवी है ये, और ये असमी भाषा की मूवी है, और असमी भाषा की किसी मूवी को 29 साल बाद बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल पाया है। बेस्ट फिल्म के अलावा इसी मूवी को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का और बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड भी मिला है। प्यारे छात्रों, जो ये मैंने आपको एक लाल रंग में वर्ड लिखा है, इसको हम एक्रोनिम बोलते हैं। इस एक्रोनिम को अपने माइंड में याद रखिए कि विलेज रॉक स्टार को 3 अवार्ड मिले हैं, बेस्ट फिल्म का, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का और बेस्ट एडिटिंग का। और विलेज रॉक स्टार को ही जो बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है वो मिला है नीता दास को, और जो बेस्ट एडिटिंग का मिला है वो मिला है रीमा दास को। तो नीता और रीमा आप आपस में रिलेट कर सकते हैं, एक से ही नाम है नीता और रीमा, नीता दास और रीमा दास, आपको आसानी से याद रहेगा बेस्ट फिल्म का, चाइल्ड आर्टिस्ट का, एडिटिंग का अवार्ड। नेक्स्ट के प्यारे छात्रों, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? गोल्डन लोटस का ये मिला है मोहरकिया मराठी मूवी को, महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी, मोहरकिया मराठी को मिला है। मोहर क्या, हमारा क्या, मारो क्या, मोर क्या, मारो क्या, हमें तो बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड मिल गया बच्चे होने के बावजूद, मोर क्या, हमारा क्या। नेक्स्ट के प्यारे छात्रों, बेस्ट क्रिटिक ऑन सिनेमा, जो सिनेमा पे क्रिटिक देते हैं उनको भी गोल्डन लोटस अवार्ड मिला है, इनका नाम है गिरिधर झा। कोई मूवी गिरेगी या धार देगी, धार मीन्स हिट होगी, ये झटपट बता देते हैं गिरिधर झा। तो आपको याद रहेगा कोई मूवी गिरेगी धार देगी झटपट बता देते हैं झा, तो गिरिधर झा बेस्ट क्रिटिक ऑन सिनेमा का अवार्ड मिला है इनको। नेक्स्ट है कि बेस्ट बुक ऑन सिनेमा 65th नेशनल फिल्म अवार्ड में कैसे मिला है? ये मिला है मातामगी मणिपुर को, मातामगी मणिपुर द फर्स्ट मणिपुर फीचर फिल्म, ये एक बुक है जिसको गोल्डन लोटस अवार्ड मिला है, मातामगी मणिपुर, माता मैगीलाई मणिपुर से। बस आपको ये विजुअलाइज रखना है कि मेरी माता मैगीलाई मणिपुर से और बुक से पढ़ पढ़कर वो मैगी बना रही है, माता मैगी मणिपुर, मातामगी मणिपुर, आपको विजुअलाइज हो जाएगा। प्यारे छात्र, मैं जिस तरह से बता रहा हूं आप उसको याद रखने की कोशिश कीजिए, एक दो बार वीडियो और देखिए तो आपको 100% ये सारे के सारे पुरस्कार आज ही याद हो जाएंगे। प्यारे छात्रों, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डिब्यूट फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर, ये किसी इंडियन भाषा की लैंग्वेज को नहीं मिला है, ये मिला है जसारी लैंग्वेज को, और सिंजार इस मूवी का नाम है, सिंजार जो बेस्ट डायरेक्टर डिब्यूट मूवी है, उन्होंने कोई सिन नहीं किया है जरा सा भी, कोई भी पाप नहीं किया इस मूवी को बनाकर, जसारी जरा सा भी, सिंजार जसारी, और उन्होंने जग में सारे में फेमस हो गई उनकी ये मूवी, तो सिंजार जसारी आपके माइंड में याद रहेगा, जसारी कोई भी भारतीय ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो सिंजार इन जसारी। नेक्स्ट है नरगिस दास अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, किसको मिला है? ये मिला है धप्पा मूवी को, हम धप्पा गेम को हम बचपन में खेला करते थे, उसमें इंटीग्रेशन हमारा आपस में सामंजस्य रहता था, तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इस बार अवार्ड जो मिला है नरगिस दत्त, वो मिला धप्पा मूवी को। धप्पा एक गेम होता था, आई स्पाइस और धप्पा, अगर आपको याद आ रहा हो प्यारे छात्रों। नेक्स्ट के प्यारे छात्रों, अगला है नेशनल फिल्म का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? और यहां से सिल्वर लोटस अवार्ड शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम रजत कमल के नाम से भी जानते हैं, अभी तक जो हमने याद किए थे वो गोल्डन लोटस अवार्ड थे, अब सिल्वर लोटस अवार्ड शुरू हो जाते हैं। और अनडाउटली इस मूवी का नाम और एक्ट्रेस का नाम मुझे बताने की शायद आपको जरूरत नहीं होगी, श्रीदेवी को मिला है मोम मूवी के लिए। नेक्स्ट है जो आपको याद रखने योग्य बात है, कई बार पुरानी चीजें भी पूछ ली जाती है नेशनल फिल्म पुरस्कारों से, तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा बार अब तक नेशनल फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्ट्रेस के लिए किसने जीता है, तो ये जीता है सलमाना आजमी जी ने, और 5 बार वो ये पुरस्कार जीत चुकी हैं। नेक्स्ट है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड, और ये मिला है दिव्या दत्ता को, अब ये कैसे याद रखेंगे? बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड को जीतने का इनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन कोई दिव्या शक्ति की वजह से इनको ये अवार्ड मिल गया। इरादा मूवी का नाम है और दिव्या शक्ति से आपको याद आएगा दिव्या दत्ता, दिव्या को दे दिया दिव्या दत्ता इरादा मूवी के लिए। अब बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ये बंगाली मूवी के लिए मिला है रिद्धि सेन को, नगर कीर्तन मूवी के लिए, और नगर कीर्तन मूवी को 3 कैटेगरी में और अवार्ड मिले, कुल 4 अवार्ड मिले, बेस्ट एक्टर का, स्पेशल जूरी का, मेकअप का और कॉस्ट्यूम का। अब इस एक्रोनिम को कैसे याद रखेंगे? बेस्ट एक्टर को अवार्ड देने के लिए एक स्पेशल जूरी आई, वो मेकअप करके आई और कॉस्ट्यूम पहनकर आई, तो बस ये एक थोड़ा सा एक्रोनिम आप याद कर लीजिए, बेस्ट एक्टर को अवार्ड देने के लिए स्पेशल जूरी मेकअप कर कॉस्ट्यूम पहनकर आई। तो प्यारे छात्रों, रिद्धि सेन को बंगाली मूवी नगर कीर्तन के लिए मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, और स्पेशल जूरी का अवार्ड, और बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड, और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड,
ये भी तीनों अवार्ड नगर कीर्तन मूवी को मिले हैं। बंगाली मूवी है प्यारे छात्रों। अब देखिए बेस्ट एक्टर का सबसे ज्यादा बार अवार्ड कौन जीत चुके हैं, और फोटो देखते ही आपको पहचान हो गई होगी, अमिताभ बच्चन जी जीत चुके हैं और 4 बार जीत चुके हैं। वन ऑफ माय द फेवरेट हीरो अमिताभ बच्चन, और इन्होंने सबसे ज्यादा बार 4 बार ये अवार्ड जीता है। इनसे कम ही जीत पाए कमल हसन जैसे एक्टर हैं, उन्होंने 3 बार जीता है, लेकिन अमिताभ बच्चन अब तक सबसे ज्यादा बार 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं प्यारे छात्रों। नेक्स्ट है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे मिला है 65वें फिल्म अवार्ड में, ये मिला फहाद फाजिल को। तो याद कैसे रखेंगे फहाद फाजिल, ये नाम एफ ए 2 बार, हेड सिल इन्हें हासिल हो गया है ये अवार्ड एफ ए हेड सिल, तो आपको आसानी से ये नाम विजुअलाइज हो जाएगा प्यारे छात्रों। नेक्स्ट है बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, जिसमें सिल्वर लोटस दिया जाता है, और यहाँ पे मैं आपको एक ऑडियो क्लिप आपके लिए चलाता हूँ, क्या आप पहचान पाते हैं ये कौन है। पहचानने की कोशिश कीजिए कौन से गायक हैं ये, हिंदी के बहुत अच्छे गायक हैं, और आसानी से आप पहचान पाएंगे। मैं आपको कुछ सेकंड देता हूँ, क्या पहचान पा रहे हैं बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कौन है। आइए मैं आपको बता देता हूँ ये कौन है, ये हैं के जे येशुदास, और इन्हें मिला पोई मरंजा कलाम इस मूवी के लिए, विश्व रूपम मंसूर मूवी के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है। और प्यारे छात्रों अगला देखते हैं बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे मिला है, ये मिला साशा त्रिपाठी को। शाबाश त्रिपाठी जी, आपने अवार्ड जीत लिया, साशा त्रिपाठी को यह अवार्ड मिला है। वन कर लिया इन्होंने अवार्ड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, साशा त्रिपाठी। इजीली आपको ये याद रहेगा, साशा त्रिपाठी और वन वन के बीच वारू, वारी जाऊं वोन कर लिया इन्होंने ये अवार्ड। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, और ये पिक्चर देख के भी आपको याद आ गया होगा, अदरवाइज मैं एक आपको छोटी सी ट्यून सुना देता हूँ, बताइए ये अवार्ड किसको मिला होगा, और ये गाना बड़ा ही फेमस रहा है, बताइए जान गए दोस्तों कौन से बेस्ट डायरेक्टर हैं, म्यूजिक के बड़े फेमस सॉन्ग्स रहते हैं इनके। आजा आजा इतना काफी है आपके लिए, और आप पहचान भी गए होंगे प्यारे छात्रों, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड मिला है AR रहमान को, कटरू वेली डाई के लिए। तो आपको इजीली ये याद रहेगा, AR रहमान को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, और इन्हें ही ये अवार्ड मिला है बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए, और बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का अवार्ड मिला है AR रहमान को ही फॉर मोम मूवी के लिए। तो दोनों म्यूजिक के, बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक डायरेक्शन के दोनों अवार्ड AR रहमान जीत चुके हैं नेशनल फिल्म पुरस्कारों में। और इरादा का हमें याद होगा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिव्या दत्त को मिला है, इरादा मूवी ने एक और अवार्ड जीता है बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन। एनवायरमेंट कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन पे सबसे बढ़िया मूवी का अवार्ड मिला है, इरादा को मिला है, और ये एक सिल्वर लोटस अवार्ड ही इसको मिला। नेक्स्ट बात आती है बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू की, सोशल इशू पे किस मूवी को अवार्ड मिला है, ये अवार्ड मिला है आलू रुकम को। आलू पे रुक के मच गए, सोशल इशू बन गया कि आलू सस्ते हैं या महंगे, आलू रुकम, तो आपको इजीली याद रहेगा आलू रुकम, आलू पर रुक के मच गए सोशल इशू बन गया, तो बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू आलू रुकम को यह अवार्ड मिला। नेक्स्ट बात आती है बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट डांसिंग का अवार्ड किसे मिला है, और मैं एक यहाँ पे ट्यून चला देता हूँ, आपको पता लग जाएगा कौन सी मूवी का ये अवार्ड मिला होगा। आपको याद आ गया होगा कौन सी मूवी है, टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला है, और आपने ये मूवी देखी भी होगी, गोरी तू लठमार सॉन्ग के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड जीता है टॉयलेट एक प्रेम कथा ने। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों 65वें नेशनल पुरस्कार में स्पेशल मेंशन अवार्ड मिले हैं, ये 4 लोगों को मिले हैं, अब मैं आपको बता देता हूं किन किन को मिला है। तो पंकज त्रिपाठी को न्यूटन मूवी के लिए मिला है, इन्होंने एक फौजी का रोल किया था इस मूवी में, पंकज त्रिपाठी को। दूसरा अवार्ड मिला है पार्वती को टेक ऑफ मूवी के लिए, पार्वती को टेक ऑफ मूवी के लिए। तीसरा स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है प्रकृति मिश्रा को हेलो आरसी मूवी के लिए।
प्रकृति मिश्रा को हेलो आरसी मूवी के लिए, और चौथा अवार्ड मिला है यशराज करहड़े को मोरख्या मूवी के लिए, और मोरख्या मूवी को बेस्ट चाइल्ड मूवी का अवार्ड भी मिल चुका है। यशराज करहड़े को स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है मोरख्या मूवी के लिए। तो ये चार लोगों को स्पेशल मेंशन अवार्ड दिए गए हैं। तो ये इजीली आपको याद रखेंगे, 3P1Y, पंकज, पार्वती, प्रकृति, यशराज। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों, कौन सी मूवी को बेस्ट डायलॉग के अवार्ड मिले हैं? ये संबत्ति मोहंती की हेलो आरसी मूवी, हेलो आरसी मूवी के लिए संबित मोहंती, सैम बिट मोहंती को ही बेस्ट डायलॉग के अवार्ड मिले हैं। नेक्स्ट है राइटिंग ऑन सिनेमा, बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है, ये मिला है सुनील मिश्रा जी को, सुनील मिश्रा जी को बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा के लिए। नेक्स्ट और लास्ट नेशनल पुरस्कारों के लिए मैंने यहाँ पे मेन मेन क्वेश्चन लिए प्यारे छात्रों, आप इन सब क्वेश्चन को याद करिए और 100% इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम से मिल जाएगा। बैंक पीओ, क्लर्क, एसएससी, बैंक, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे, दिल्ली मेट्रो, इन सब एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी मेमोरी टेक्निक मैंने आपको दी है, विजुअलाइज कराई है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा आगे के लोगों को भेजें। बेस्ट तेलुगु मूवी का अवार्ड मिला गाजी मूवी को, बड़ी फैंटास्टिक मूवी है, एक बार देखने लायक मूवी है, और ये मूवी जरूर देखिए प्यारे छात्रों। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ए टू जेड करियर स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स, और बेल वाला आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियो समय से मिल जाए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।